बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। आज मैं बना रही हूँ स्पाइसेस ऑफ फूड के यूट्यूब चैनल पर चिकन कीमा, वो भी ढाबा स्टाइल में। तो चिकन कीमा ढाबे पर किस तरह मिलता है और वो कैसे बनाते हैं, तो हम बताते हैं ढाबे का सीक्रेट। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है एक देगची। फ्लेम ऑन करते हैं और देगची में डालेंगे हम हाफ कप ऑयल, चले ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो हम इसमें डालते हैं 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म हो जाएगा और हम डालेंगे तो इसमें से आवाज़ें आएंगी और घी या ऑयल उड़ेगा या आपके हाथों पे आएगा, जो कि नुकसान का बाइस भी हो सकता है। तो हम थोड़ा सा गर्म करेंगे ऑयल और उसमें डाल देंगे। चलें अब भूनते हैं 1-2 मिनट के लिए। देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट 1-2 मिनट के लिए भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 kg चिकन का कीमा। और अब भूनते हैं। चलिए अब डालते हैं इसमें कुछ गरम मसाले, खड़े गरम मसाले, जिसमें एक मैं डाल रही हूँ बड़ी इलायची, तकरीबन 2 से 3 लौंगे और ये 7 से 8 काली मिर्चें। चलिए भूनते हैं। इस वक्त अब हम भून रहा है कीमा, इसमें डाल देंगे 1/2 कप फ्राइड अनियन। अगर फ्राइड अनियन आपके पास नहीं है तो फिर आपने उसी तरह से ऑयल गरम करना है। पहले एक दरमियाने साइज़ की प्याज को फ्राई करना है और उसके बाद प्याज के साथ ही आप लहसुन अदरक डाल दें और कीमा डाल के भूनें, ठीक है? क्योंकि मैंने प्याज पहले से फ्राई करके रखी होती है तो मैं इसलिए पहले ये प्रोसीजर कर लेती हूँ, ठीक है? चलें अच्छे से भूनते हैं। कीमा अच्छे से भुन रहा है, देखिए प्याज के साथ भुना है हमने तकरीबन 2-3 मिनट। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे साइज के टमाटर जो हमने बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। चलें टमाटर डालेंगे और अच्छे से भूनेंगे टमाटरों के साथ। टमाटरों के साथ भूनते हुए हम इसमें डाल देंगे 5 छोटी हरी मिर्चें और डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने ली है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक। चलें इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी मसाले वाली प्लेट में और इसे इसमें डाल देंगे। अब इसे भूनते हैं अच्छी तरह। फ्लेम करते हैं थोड़ा सा लो और अच्छे से भूनते हैं। चलें 2 मिनट हो गए हैं हमें भूनते हुए। अब हम इसे कर देते हैं कवर तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और फिर हम दोबारा भूनेंगे।
चलें देखते हैं। देखें टमाटर अच्छे से नरम हो गए हैं। अब हम इसे यकजा करेंगे मसाले के साथ, कीमे के साथ, और मजे से भूनते हैं। जितना अच्छा कीमा भुना हुआ होगा उतना ही मजेदार लगेगा। फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाते हैं और यहां मैं डालूंगी आधा कप दही है। दही डाल देते हैं और दही डाल के अच्छे से कीमे को भूनते हैं। चलें अब करते हैं भूनना स्टार्ट। अब दही भी पानी रिलीज करेगा और हम इसको भूनेंगे 10-15 मिनट अच्छे से। देखें कितने अच्छे से कीमा भुन रहा है दही के साथ। मजीद इसे हम 5 मिनट भूनेंगे। दही का पानी खुश्क हो चुका है और देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। बस 2 मिनट और भूनते हैं अच्छे से और फिर करते हैं डिश आउट। चलें फ्लेम बंद कर देते हैं। थोड़ी सी डालते हैं हरी मिर्चें और थोड़ा सा डालते हैं कतरा हुआ धनिया और इसे मिक्स करते हैं और आप डिश आउट करते हैं। मज़ेदार चिकन कीमा ढाबा स्टाइल में तैयार है। हमारे तरीके से ज़रूर बनाइए और एंजॉय कीजिए चपाती के साथ, पराठों के साथ, नाश्ते में, लंच में, डिनर पे। जब दिल चाहे बनाइए मज़े से और हमें कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी आपको ढाबा स्टाइल कीमे की रेसिपी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले टाइमली नोटिफिकेशन। चलें अब हम चलते हैं, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।